हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी 13 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ना साउंड की सेटिंग में आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपको एक क्विक पैनल आता है। इसमें देखिए आपको नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन है ना, इसे उंगली से आपको दबा के रखना है, ठीक है। तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर साउंड की कैटेगरी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। इसके सामने वाले बटन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन से जो भी साउंड की आवाज आएगी वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। इसके सामने वाले बटन को अगर आप ऑन रखते हैं तो इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो भी कुछ आप बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों बटन ऑन रखेंगे तो आपका ना मोबाइल फोन से निकलने वाली साउंड और आप जो भी बोलेंगे वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, दोनों, अगर आप दोनों ऑन रखते हैं तो। यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो एक ऑफ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को मोबाइल फोन के आवाज को नहीं चाहिए होती है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। मुझे माइक्रोफोन साउंड की जरूरत पड़ती है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग के समय बोलना होता है, तो मैं इस बटन को चालू रखता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है ना इसे वापस आ जाना, बैक पेज पे आना है, ठीक है। अब दोबारा से आपको क्विक पैनल ओपन करना है ये वाला, ठीक है। अब क्विक पैनल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन है, एक सिंगल टैप करना है। इसे सिंगल टैप करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग का पेज आता है छोटा सा, इसमें रेड कलर का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी देखिए काउंटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर आप कोई भी मूवमेंट आप यहाँ पर करेंगे ना, तो वो आपकी सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होती रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा रुकना होगा या थोड़ा ब्रेक लेना है, तो आपको ये बटन दबा के ना ये दो लाइन ऑप्शन दबा देना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। और जब बाद में आपको रिकॉर्डिंग फिर दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करनी है ना, तो आपको ये बटन दबाना है और ये बीच वाला प्ले बटन है ट्रायंगल शेप का, इसे टैप करना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, जिसे आप दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब आपको रिकॉर्डिंग को खत्म करना है ना, तो ये बटन टैप करके रेड वाला बटन दबा देना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो आपकी रिकॉर्डिंग आपने करी है ना, वो आपके फोन की गैलरी या फिर फोन की एल्बम में आपको मिल जाएगी, ठीक है।